हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आर फ्रेग्रेंसेस यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करेंगे अनबॉक्सिंग अफनान के ट्रिब्यूट ब्लू परफ्यूम के। दोस्तों, ब्लू कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का है, तो इसे ब्लू नाम से जाना पहचाना जाता है। क्योंकि जैसे अफनान का तुराती ब्लू आता है, जैसे उस पर भी ब्लू नहीं लिखा है, ऐसे ही इस पर ब्लू मेंशन नहीं है, बट फिर भी इसको ब्लू बोलते हैं ताकि आप पहचान सकें। क्योंकि इसके एक वाइट वेरिएंट भी आता है जो कि विमेंस के लिए, तो अफनान ट्रिब्यूट ब्लू। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड से आप देख सकते हैं अफनान का 3D होलोग्राम, और पीछे काफ़ी सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रिब्यूट का मतलब शायद कुछ लिखा है अरेबिक में, जिसका मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और ट्रिब्यूट का मतलब तो आपको पता ही है, श्रद्धांजलि, किसी को रेस्पेक्ट देना, ग्रेटिट्यूड। तो ट्रिब्यूट का तो ये मतलब आपको पता ही है। और काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, और afnan.com और अफनान एक मेड इन यूएई ब्रांड है, ये सब बात भी आपको पता ही है। और ऊपर से देख लेते एक बार, ऊपर से आप देख सकते हैं अफनान का लोगो। और जल्दी से बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे कैसी ये फ्रेग्रेंस, इसकी जूस क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, प्रोजेक्शंस, या आज किस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी, सारी बात करेंगे। बॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब छोटा बॉक्स है लेकिन काफ़ी सॉलिड बॉक्स है, हैवी क्वालिटी का बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स है। अब जल्दी से सेलोफेन उतारते हैं और बॉटल को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों, सेलोफेन हमने हटा दिए, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये इनर पैकेजिंग बॉक्स है, ये इसका कवर है जो कि मैट फिनिश का ये कवर है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई कैचिंग लग रहा है देखने में, और बैच डिटेल्स भी अब इजीली मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ सेलोफेन उतारने के बाद। बॉक्स को जल्दी से अभी से इसको स्लाइड करके इसका आउटर पोर्शन उतार लेते हैं। ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है, मुझे इसको फाड़ना पड़ेगा, ये स्लाइड करने पर भी ओपन नहीं हो रहा है। बहुत बेदर्दी से मैंने इसको फाड़ दिया है और हटा दिया यहाँ से। तो दोस्तों, इसको तो फेंकते हैं अभी, ये हो गया है। तो दोस्तों, ये है इसका बॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा है, और क्लियरली हमें दिख पा रहा है इसके शेप से कि ये कैसे ओपन होगा। तो दोस्तों, ये फ्रेग्रेंस ऐसे ओपन होगी, और ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उल्टा तो नहीं है। हाँ, ये इसकी कैप है। और दोस्तों, बॉटल को मैंने बाहर निकाल लिया है, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस डिज़ाइन लग रही है, बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग बॉटल लग रही है। और दोस्तों, इस फ्रेग्रेंस को मैंने काफ़ी सालों पहले ट्राई किया था, जब ये यहाँ पर नहीं आती थी। मेरे एक फ्रेंड थे, वो यूएई में रहते थे, तो वो दुबई से मेरे लिए लेकर आए थे इस फ्रेग्रेंस को। तो इस फ्रेग्रेंस को मैं पर्सनली पहले ट्राई कर चुका हूँ, और काफ़ी सालों के बाद मैं इस फ्रेग्रेंस को दोबारा एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। और आज मैंने इसे काफ़ी सालों बाद अनबॉक्स करके देखी ये फ्रेग्रेंस ऐसे ओपन होती है। क्योंकि जब उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस दी थी, तो ये विदाउट बॉक्स ही दी थी, खाली बॉटल दी थी। तो काफ़ी अच्छी बॉटल लग रही है, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, ग्लास बॉटल है। और दोस्तों, इस पर ब्लू कलर का पेंट किया गया है, ये पूरी ग्लास बॉटल है, ये प्लास्टिक पोर्शन नहीं है, पूरा ग्लास पोर्शन है। और इसकी कैप भी मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। तो दोस्तों, कैप देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है कैप का भी, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है उन्होंने बनाया, काफ़ी आई कैचिंग बॉटल है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही है बॉटल देखने में। नीचे से आप देख सकते हैं अफनान, और एक स्टिकर लगा है, ओदी पफा 100 ml मेड इन यूएई। और बॉटल के कैप की क्वालिटी की बात करूँ तो दोस्तों, ये प्लास्टिक पोर्शन है, ये ग्लास पोर्शन है, जिस पर सेम कलर का पेंट किया गया है, जिसकी वजह से सेम बॉटल लग रही है दोनों। हालांकि जो ये ऊपर का पोर्शन है कैप का, ये प्लास्टिक है, और ये पूरी ग्लास बॉटल है। तो अच्छी क्वालिटी की कैप है, हैवी क्वालिटी की कैप है। स्प्रेयर क्वालिटी भी देख लेते हैं कैसी है। स्प्रेयर क्वालिटी अच्छी, अफनान तुराती ब्लू वाला ही स्प्रेयर इसमें यूज़ किया गया है, एटोमाइज़र। अच्छी ब्रॉड मिस निकल रही है, और बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक। बहुत सालों के बाद मैं इस फ्रेग्रेंस को स्निफ कर रहा हूँ, और दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस फ्रेग्रेंस को स्निफ करने के बाद। इसके अंदर मैं वुडी नोट्स को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फील कर पा रहा हूँ, वही नोट्स को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फील कर पा रहा हूँ। जैसे लताफा, मीरा, लूद, इंटेंस लूद में वो प्रोमिनेंट वुडी नोट्स है ना, वो जैसे लकड़ी के बुरादे वाली या वुडन वेस्ट वाली, वैसी नोट, वुडी नोट्स वैसी फील कर पा रहा हूँ।
साथ ही साथ ये थोड़ा स्वीट भी लग रहा है मुझे एम्बर की वजह से और मस्क की वजह से। एम्बर और मस्की नोट्स को भी बहुत फील कर पा रहा हूँ प्रोमिनेंट। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो ये एक वुडी फ्रेग्रेंस है और साथ ही साथ इसमें एम्बर, मस्की नोट और थोड़ा सा फ्रेश भी लग रहा है कहीं ना कहीं बरगमो की वजह से। तो दोस्तों ये फ्रेग्रेंस को स्निफ करने के बाद ये क्लियरली पता लग रहा है कि ये फ्रेग्रेंस काफ़ी वर्सेटाइल है, मतलब सभी वेदर्स के लिए अप्रोप्रिएट है, सर्दी, गर्मी, बरसात, कहीं भी और कभी भी आप इस फ्रेग्रेंस को वियर कर सकते हैं, मतलब स्प्रिंग में भी, समर में भी, फॉल में भी और विंटर में भी, सभी वेदर्स के लिए सूटेबल है। दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन सियाज की और लॉन्जिविटी की। इस फ्रेग्रेंस का अभी मैंने कुछ दिनों पहले ट्राई किया था, इसका डिकेंट, तो ये फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। जो इसमें वो स्पाइसीनेस है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग फ्रेग्रेंस ये लगती है और सूदिंग भी है, बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं लगेगी। थोड़ी सी स्पाइसी ज़रूर है सिट्रसी होने के साथ साथ, बट काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है। थोड़ी सी इससे मियाँ के ल्यूदिस्से वाली वाइब्स आती है क्योंकि वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, सिट्रसी स्पाइसी, तो वैसी फ्रेग्रेंस की भी याद मुझे आती है फ्रेग्रेंस को स्निफ करने के बाद। दिखा देता हूँ मैं आपको ये से मियाँ के ल्यूदी से, तो कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप इसको रिलेट ना करें कि ऐसा नहीं है, मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे इस फ्रेग्रेंस की याद आती है ट्रिब्यूट ब्लू को स्निफ करने के बाद, थोड़ा सा मुझे इसकी याद आई स्पाइसीनेस की वजह से। और साथ ही साथ दूसरी फ्रेग्रेंस की याद आई लताफा मीरालूद इंटेंस रूथ की, वो सिर्फ याद आई वुडी नोट्स की वजह से, वो कारपेंटर वाला वुडी वेस्ट जो निकलता है ना, वुड वेस्ट, उसकी वजह से, तो वैसी वुडी नोट्स इसके अंदर मुझे फील होती है। तो काफ़ी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है और सभी वेदर के लिए रिकमेंड है। बात करें प्रोजेक्शन सियाज की तो 3 से 4 घंटों का हैवी प्रोजेक्शन सियाज आपको इजीली मिल जाएगा इसमें, अफनान तुराती ब्लू की तरह ही काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। बात करें लॉन्ग लास्टिंग कितना है तो 7 से 8 घंटे ईजीली लास्ट करेगा ये आपकी स्किन पर भी और आपके कपड़ों पर भी। तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट फ्रेग्रेंस है, अफनान तुराती ब्लू की ही टक्कर ले सकता है ये फ्रेग्रेंस, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है, इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है, हालांकि ये काफ़ी सालों से मार्केट में है बट अभी जाकर कुछ लोग इस फ्रेग्रेंस के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस फ्रेग्रेंस को ट्राई नहीं किया बिल्कुल ट्राई कीजिए, अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसका डिकेंट भी, इसका रिटेल पैक भी दोनों हमारे पास अवेलेबल है और 4000 के आसपास ये आपको फ्रेग्रेंस मिल जाएगी EDP 100ml कंसंट्रेशन में। तो दोस्तों ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो अफनान के ट्रिब्यूट ब्लू की, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।